वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टू मिसिबल लिक्विड्स के बारे में कि उनको सेपरेट कैसे किया जाता है। अब मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ये वो लिक्विड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, इनकी कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं बनती है, यानी कि ये होमोजेनस मिक्सचर बन जाते हैं। और इसका एक जो एग्जाम्पल है, इट इज एल्कोहल इन वाटर। अगर एल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट के कौन सी लेयर वाटर की है एंड कौन सी लेयर एल्कोहल की है। सो इसको समझने के लिए एक्टिविटी 2.8 पढ़ेंगे हम। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब एसीटोन इज द केमिकल नेम ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है? नेल पॉलिश रिमूवर का जो साइंटिफिक नेम है, इट इज एसीटोन। सो हमने क्या किया कि एसीटोन एंड जो वाटर है उसको हमने क्या करना है, हमें सेपरेट करना है इन दोनों को इसके मिक्सचर से, ठीक है? टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मोमीटर। सो हमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में इस मिक्सचर को डाल देना है और हमें थर्मोमीटर को फिक्स करना है। अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.9, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। हीट द मिक्सचर स्लोली, कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। द एसीटोन वेपराइजेस, कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। एसीटोन जो है उसको हम गर्म करेंगे तो वो वेपराइज करेगा, उसको हम एक डिफरेंट ट्यूब में डाल देंगे कोल्ड वाटर के साथ, तो वो लो टेम्परेचर होने की वजह से कंडेंस करेगा एंड देन कंडेंसर जो है उससे ये बाहर निकल आएगा। सो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो वाटर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा, लेकिन जो एसीटोन है वो कंडेंसर के थ्रू बाहर निकल आएगा। सो ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। अब यहां पे किया क्या है, ये है हमारे पास वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर। अब एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इज 78 डिग्रीज, ठीक है? एंड जो वाटर है उसका 100 डिग्रीज। तो अब क्या होगा कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें हमने ये मिक्सचर डाला, ऊपर हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया, देन इसके बाद हमने इसको बॉइल करना स्टार्ट किया। अब जब हम इसको बॉइल करना स्टार्ट करेंगे सो एसीटोन जो है वो बहुत पहले ही, जैसे कि मैंने बताया कि 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो एसीटोन जो है वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि इसके वेपर्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वाटर के वेपर्स नहीं बन रहे होंगे क्योंकि हम जो हीटिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल कर देंगे, ठीक है? हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेके जाएंगे, हम इसको 80 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे ताकि जो एसीटोन है वो वेपराइज करता रहे। अब एसीटोन क्या करेगा, वो यहां से वेपराइज होके फिर इधर एस्केप करेगा। ये है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर को अगर आप देखोगे तो यहां पे हमने रखा है वाटर आउटलेट और यहां पे हमारे पास वाटर इनलेट। तो होगा क्या कि ये जो ट्यूब है, ये जो कंडेंसर है, ये एक वॉल है यहां पे कोल्ड वाटर की, उसके साथ ही सराउंडेड है, ठीक है? यानी कि जो ट्यूब है वो बीच में से निकल रही है, लेकिन ये जो ट्यूब है ये सराउंडेड है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर यहां से जाएगा, ठीक है, सराउंडेड होता हुआ, इसको टच नहीं करेगा, जो ये वेपर है उसको टच नहीं करेगा। उसकी जो लेयर है वो डिफरेंट है, वो अंदर की तरफ है लेयर, और जो कोल्ड वाटर है उसने उसको सराउंड किया हुआ है ताकि जो यहां से वेपर्स निकले हैं वो ठंडे हो जाएं, कंडेंस हो जाएं, और ऐसे में जो वाटर है वो हम डिफरेंट बीकर में ले सके। सो वाटर यहां से जाएगा एंड यहां से आउट होता रहेगा, ठंडा वाटर आता रहेगा, गर्म होके वापस जाता रहेगा, ठीक है? लेकिन जो यहां से वेपर निकला था एसीटोन का, वो यहां से जाएगा, ठंडे पानी की वजह से कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद वो एक अलग बीकर में हम उसको रख लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन पॉसिबल हो पाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉइल विदाउट डीकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन उन्हीं कंपोनेंट्स के लिए पॉसिबल है जो कि दो
मिसिबल लिक्विड्स हैं एंड इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें सफिशियंट डिफरेंस है। अगर इनमें सफिशियंट डिफरेंस नहीं होगा तो हम सिंपल डिस्टिलेशन नहीं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। वो क्या चीज होती है? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है, उसे उस जो प्रोसेस का नाम है जिससे कि हम सेपरेट करते हैं इन दो मिसिबल लिक्विड्स को, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, द अपैरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। अब अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जैसे आप लोगों को बताया गया कि दो मिसिबल लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर वो 25 केल्विन से भी कम का होता है तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और साथ के साथ ही आपको यहाँ पे बताया है कि सिंपल डिस्टिलेशन से इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो ये कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है और जो कंडेंसर है उसके बीच में एक हम नया कंपोनेंट ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, क्या चीज होती है ये हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए, अपैरेटस जो है ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया, लेकिन यहां पे आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक नया कंपोनेंट आ गया है जिसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक्चुअल में होता क्या है? अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। एक ट्यूब है ये जिसमें ग्लास बीड्स डाली गई हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। जो बीड्स हैं उनका काम ये है कि जो वेपर्स हैं वो जल्दी से ठंडे हो जाएं और फिर कंडेंस भी हो जाएं। सो ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें हम मोस्टली सॉरी इसको हम मोस्टली यूज करते हैं गैसेस को एयर से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सो जैसे एयर है, एयर में हमारे पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सभी को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है ये हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। 2.3.7, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। सो अगर यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है कि जो एयर है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि हम उसे फिजिकली नहीं देख सकते हैं कि एयर के अंदर कितनी लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एयर है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और इसमें अगर हमें कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें सेपरेट करना हो तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो हमें इस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको रीड आउट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास होगी एयर। एयर हम लेंगे, एयर को हम कंप्रेस कर देंगे। किस तरीके से? एयर को हम पहले कूल करेंगे, ठीक है, एंड देन प्रेशर इंक्रीज कर देंगे जिससे कि वो कंप्रेस हो जाए, और हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, यानी कि एयर लेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और इस एयर को हम कूल कर देंगे। देन इसके बाद हमें मिलेगी लिक्विड एयर। ठीक है, लेकिन अभी भी जो गैसेज हैं वो इसे सेपरेट नहीं हुई हैं, ये सिर्फ लिक्विड एयर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसको हम धीरे धीरे से वार्म करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम उसको धीरे से वार्म करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में गैसेस में जो डिफरेंसेस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, इसकी वजह से वो सेपरेट करना स्टार्ट कर जाएंगे और वो हमें डिफरेंट हाइट्स में मिल जाएंगे। डिफरेंट हाइट्स मतलब ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का इज 183, -183, आर्गन का -186, एंड अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इट इज -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिए हुए सारे, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो -183 जो होगा ये गर्म होगा, लेकिन -196 ठंडा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है,
सो -183 गर्म होगा, -196 ठंडा होगा। अब जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो बॉटम वाली जो जगह होती है, अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो बॉटम वाली जगह होती है वो गर्म होती है एंड ऊपर वाली ठंडी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्नर है वो नीचे लगा है, बर्नर ऊपर नहीं लगा है। ठीक है, बर्नर नीचे लगा है तो इस वजह से नीचे वाली जो लेयर है वो गर्म होगी और जो ऊपर वाली लेयर है वो ठंडी होगी, क्योंकि ऊपर वाली लेयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट के साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो सबसे नीचे से निकलेगी, आर्गन उसके ऊपर से निकलेगी एंड नाइट्रोजन सबसे ऊपर से निकलेगी। तो यानी कि सबसे पहली गैस जो कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू निकलेगी उसका नाम होगा ऑक्सीजन, और जो सबसे लास्ट में निकलेगी वो होगी नाइट्रोजन, क्योंकि ये बेस पे है और ये हाइट पे है, ये पहले ही सेपरेट हो जाएगी, इसको सेपरेट होने में टाइम लगेगा। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। सो ये देखिए, सबसे पहले हमने एयर जो है वो हमने अंदर डाली, पहले एयर को हमने फिल्टर कर लिया, ठीक है, ताकि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो। देन इसके बाद जो एयर है हमने इसको अंदर डाला एंड देन हमने अंडर एयर प्रेशर इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद भी अभी भी ये हॉट एयर ही है, हमने इसमें कोई जो कूल ट्रीटमेंट है वो तो नहीं किया, ठीक है। तो यहां से हमने एयर अंदर ली, अंदर लेने के बाद हमने इसको प्रेशर प्रोवाइड किया, प्रेशर प्रोवाइड करने की वजह से ये कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने के बाद अब ये जो हॉट एयर है ये जाएगी एक चैम्बर में, और ये जो चैम्बर है यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को इस तरीके से स्वर्ल करा के देन ऊपर की तरफ भेज दिया जाएगा। देन कॉन्टिन्यूअसली फ्रीजिंग कोल्ड वाटर आता रहेगा और ये जो हॉट एयर है इसको ठंडा करता रहेगा, ठीक है। जो हॉट एयर है वो इनके साथ कांटेक्ट में आके ठंडी हो जाएगी। सो यहां पे इसके बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आएगी क्योंकि ये यहां से अब ठंडी हो चुकी है। देन इसके बाद ये यहां पे सेपरेटर टैंक में जाएगी। सेपरेटर टैंक जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ ड्राई आइस सेपरेट आउट कर लेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सेपरेशन है वो सबसे पहले हो जाएगी बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे लिक्विड एयर जो है उसको हमने एक्सपेंशन जेट दिया, ठीक है। यानी कि अब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे जिसकी वजह से एयर जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी। और एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले यहां से बाहर निकल गई क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल बेस में होगी। देन इसके बाद आर्गन, देन इसके बाद नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम लिक्विड ऑक्सीजन को आउट कर देंगे। तो पहले मैंने आपको अभी फ्लो चार्ट पढ़ाया, देन इसके बाद डायग्राम। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्टिल हम एक छोटा सा पैराग्राफ इसका पढ़ लेंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इफ यू वॉन्ट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल दी अदर गैसेज प्रेजेंट इन एयर। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है कि जो एयर है उसको हम सबसे पहले कंप्रेस कर लेंगे। कंप्रेस कैसे करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से। देन हम उसको कूल कर लेंगे यानी कि जो उसका टेम्परेचर है हम उसको डिक्रीज कर लेंगे। देन इसके बाद फ्रैक्शनल कॉलम में हम इसको दोबारा से वार्म करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट जो गैसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।